Hello everyone, welcome back to our channel Learn with Nishman. We are going to discuss section 172 today. In earlier video we completed section 173, and let's come to this, the case diary. Okay, it's mentioned in section 172 of the Code of Criminal Procedure 1973. So case diary kya hota hai bache? For every case there is a separate diary. हर केस के लिए एक सेपरेट डायरी बनती है. द डेट ऑफ रिसीविंग एफआईआर, क्रक्स ऑफ एफआईआर, एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस इन शॉर्ट टाइम, प्लेस एटसेट्रा. सो एवरीथिंग इज रिटन इन दैट. रेड आपने अगर कहीं की है तो वो टाइम प्लेस विद हुम यू डिड दैट, यू सीजर दैट सीजर मेमो, ओके, डॉक्यूमेंट सीज्ड, इफ अरेस्ट इज देयर देन अरेस्ट मेमो. सो ऑल दीज आर इंक्लूडेड इन केस डायरी. Police officer will write day-to-day proceedings until he ends the investigation. Case diary is a record of fairness of investigation done. Mainly, अगर आपने बोलना है तो आप क्या बोलोगे? That case diary is the investigation memo. Okay? Or you can say day-to-day proceedings. मैजिस्ट्रेट वुड नो वट ऑल इन्वेस्टिगेशन हैव डन. वो केस डायरी से ही आइडिया लेते हैं. केस डायरी इज अ प्रीवियस स्टेटमेंट मेड बाय द पुलिस ऑफिसर टू कोर्ट. कोर्ट हैज द पावर टू आस्क क्वेश्चन अंडर सेक्शन 165 में. वो क्वेश्चन आस्क कर सकते हैं रिगार्डिंग दिस केस डायरी, एंड कैन समन पर्सन हुज नेम आर रिटन इन दिस. इफ कोर्ट कॉन्ट्राडिक्ट्स, ऑपोजिट पार्टी gets right to contradict. Okay, अगर कोर्ट को लगता है कि there is a contradiction, then opposite party के पास एक right आ जाता है, वो इसका फायदा उठा सकते हैं. So basically case diary बच्चे, इसको हम दो part में divide करते हैं. The one is composite case diary and the other one is non-composite case diary. कॉम्पोजिट केस डायरी में क्या होता है? पेजेस आर इन एंड ऑन विच स्टेटमेंट ऑफ विटनेसेस कैन बी रिटन, दैट इज डिटेल. आप डिटेल में एक पेज में विटनेस की सारी स्टेटमेंट लिखते हो. इन फ्रंट समरी रिटन, फ्रंट में समरी होती है, लास्ट में डिटेल होती है. नो नीड टू इंसर्ट सेपरेटली, आपको हर चीज सेपरेटली डालने की जरूरत नहीं है. नॉन कॉम्पोजिट में क्या होता है? देर इज नो सेपरेट पेज फॉर द स्टेटमेंट. स्टेटमेंट रिटन इन लूज पेजेस एंड इट्स स्टेपल्ड. ओके, आप बाहर से किसी लूज पेज पे लिख देते हैं एंड उसको जस्ट आप क्या कर देते हो? स्टेपल कर देते हो. बट इसमें कॉम्पोजिट में क्या होता है? स्टार्टिंग में एक समरी गिवन होती है एंड देन लास्ट में डिटेल स्टेटमेंट गिवन होती है. सो पावर ऑफ कोर्ट इज रिमांड रिपोर्ट प्लस केस डायरी को वो डिमांड कर सकते हैं. कोर्ट एंड आस्क टू प्रोड्यूस द केस डायरी एंड एग्जामिन इट एनी टाइम. इट कैन आस्क क्वेश्चंस रिलेटेड टू दैट. इन्वेस्टिंग ऑफिसर इज बीइंग एग्जामिन्ड बाय द कोर्ट. दे कैन आस्क क्वेश्चंस आंसर्स अंडर सेक्शन 165. आई टोल्ड यू 165 किसका बच्चे? इंडियन एविडेंस एक्ट का. इट इज नॉट यूज एज सब्सटेंसिव पीस ऑफ एविडेंस. आप केस डायरी को सब्सटेंसिव पीस ऑफ एविडेंस के लिए यूज नहीं कर सकते. यू कैन यूज इट जस्ट फॉर कॉन्ट्राडिक्शन और जस्ट फॉर आस्किंग द क्वेश्चन. बेसिकली क्या होता है? इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो होता है, ही कैन यूज इट फॉर रिफ्रेशिंग द मेमरी. रिफ्रेशिंग द मेमरी. और कोर्ट हैज यूज इट फॉर कॉन्ट्राडिक्टिंग द स्टेटमेंट्स ऑलरेडी गिवन. राइट, डिफेंस गेट्स द राइट टू कॉन्ट्राडिक्ट एंड क्रॉस एग्जामिन. दे हैव अ राइट टू हैव अ कॉपी ऑफ द केस डायरी. प्रीवियस स्टेटमेंट इफ मेड बाय इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, ही कैन रिफ्रेश हिज मेमरी. एंड आई एम टेलिंग यू दैट केस डायरी इज नॉट अ सब्सटेंसिव पीस ऑफ एविडेंस. इट कैन बी यूज बाय कोर्ट ओनली एंड कैन कॉल फॉर अ कॉपी ऑफ इट. They can ask question answers under section 313 to the accused regarding this and investigating officer से under section 165 Indian Evidence Act में. Accused से पूछे जाते हैं 313 में बच्चे CRPC के, और Indian Evidence Act 165 में किससे पूछे जाते हैं? Investigating officer से. They can summon additional witnesses whosoever name is written in this. They can help investigating officer to recall the incident. Court can examine
whether there is a fair investigation done or not through the help of case diary. Right, bache? So case diary is a diary of investigation which is prepared by investigating officer in the course of investigation. It contains day-to-day investigation proceedings which the investigating officer records. The basic purpose of the case diary is to create personal record. ठीक है, ये investigating officer के द्वारा एक अपना personal record तैयार किया जाता है through this of investigation. For his own memory and record. It also becomes proof of the fairness of investigation. बिल्कुल magistrate कभी भी demand कर सकते हैं they if they want to check whether the investigation is done through a fair manner or not. Right? अगर कभी भी question उठे regarding the fairness, then the court can examine the case diary to see whether the investigation has been properly conducted or not. आपके लैंडमार्क जजमेंट्स इसमें जो है बच्चे निरंजन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड द अदर वन इज शामशुल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी. सो इन द इन केस डायरी इज नॉट अ सब्सटेंसिव पीस ऑफ एविडेंस. इसमें ये बोला गया था केस डायरी जो है दैट इज नॉट अ सब्सटेंसिव पीस ऑफ एविडेंस के तौर पर आप इसको यूज नहीं कर सकते हो एंड द एक्यूज डजंट हैव द राइट टू हैव द कॉपी ऑफ केस डायरी. वो कॉपी भी नहीं मांग सकता केस डायरी की. रादर इट इज द कोर्ट विच इन इट्स डिस्क्रिशन कैन कॉल फॉर केस डायरी. सिर्फ कोर्ट ही अपने जब उनको लगता है दैट देयर इज अ नीड वो अपने केस डायरी की कॉल कर सकती हैं, अदरवाइज दे कैन नॉट. द कोर्ट कैन आस्क एनी क्वेश्चंस टू द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर. आई ऑलरेडी टोल्ड यू अंडर 165 दे कैन आस्क क्वेश्चंस इवन टू द एक्यूज्ड. दे कैन समन द विटनेसेस अंडर सेक्शन 311. It can also contradict investigating officer on the basis of the case diary. Similarly, police officer himself also can use the case diary for refreshing his memory. Memory किस में refresh होती है? Section 159 में. 165 Indian Evidence Act में Indian inspecting officer से question पूछा जाता है. ये CRPC का है बच्चे. CRPC 313 में accused से question किया जाता है. Witnesses को summon 311 में दिया जाता है. ठीक है, ये कुछ कुछ सेक्शंस को मेमोराइज कीजिए ताकि जब आप क्वेश्चन लिखें तो ये कोई ना कोई तो देखो एक दो सेक्शन तो याद रहेगा ही ना आंसर लिखते हुए. तो इट विल गिव अ गुड इम्पैक्ट फॉर यू. इट इज ओनली इन द लेटर टू केसेस अबव दैट द एक्यूज्ड गेट्स द राइट टू हैव अ कॉपी ऑफ द केस डायरी एंड दिस एक्यूज्ड कैन ऑन द बेसिस ऑफ द केस डायरी इन सच अ केस क्रॉस एग्जामिन एंड कॉन्ट्राडिक्ट द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर. ठीक है, सिर्फ एक्यूज्ड को दो ही केसेस में केस डायरी की कॉपी मिलती है. ओके, इट वाज हेल्ड इन शामशुल कुंवर केस दैट पुलिस ऑफिसर कैन नॉट बी कंपेल्ड टू रिफ्रेश हिज मेमोरी ऑन द बेसिस ऑफ केस डायरी. ठीक है, उनको कंपेल नहीं किया जाएगा. इट वाज आल्सो हेल्ड दैट रिगार्डिंग द रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट्स अंडर सेक्शन 172 This doesn't imply though under the case diary the statements will be recorded. The process of recording will be provided in section 161. ठीक है, स्टेटमेंट लिखने का एक प्रॉपर इसमें मैम वो नहीं दिया हुआ है एक प्रॉपर प्रोसीजर कि आपको ऐसे ही स्टेटमेंट लिखनी है. 161 के थ्रू आप हेल्प ले सकते हैं. सेक्शन 172 जो है बच्चे इट डजंट से रिगार्डिंग द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग. द एक्यूज्ड हैज द राइट टू ऑब्टेन द पुलिस स्टेटमेंट रिकॉर्डेड इन द केस डायरी एंड ऑन द पॉइंट इट वॉज क्लैरिफाइड बाय सुप्रीम कोर्ट इन स्टेट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली वर्सेज रवि कांत शर्मा में दैट एक्यूज्ड हैज द राइट टू ऑब्टेन ओनली द प्रॉपर डिटेल्ड पुलिस स्टेटमेंट रिकॉर्डेड इन द केस डायरी एंड नॉट द जोटिंग्स रिकॉर्डेड. ठीक है, जो जस्ट फॉर द पर्सनल यूज जब कई बार पुलिस ऑफिसर जस्ट जोटिंग्स लिख देते हैं वो एक्यूज नहीं डिमांड कर सकते. एक्यूज सिर्फ प्रॉपर जो डिटेल में स्टेटमेंट लिखी गई है उन्हीं को ही डिमांड कर सकता है. ऑल राइट, सो इफ द केस डायरी हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड बाय पुलिस ऑफिसर इट विल बी एन इरेग्युलरिटी बट इट विल नॉट पर से विटिलिएट द प्रोसीडिंग्स. ठीक है, केस डायरी को अगर आप मेंटेन करना चाहते हैं कीजिए, नहीं करना चाहते तो इट विल जस्ट एन इरेग्युलरिटी. ठीक है, ये जो केस चल रहा है उसकी प्रोसीडिंग्स को विटिएट नहीं करेगा. रादर कोर्ट विल रेज अ सस्पिशन रिगार्डिंग दैट रोल ऑफ पुलिस ऑफिसर. सिर्फ इसके रिगार्डिंग एक डाउट रेज कर सकती है कोर्ट कि जो पुलिस ऑफिसर ने इन्वेस्टिगेट कंडक्ट की है तो उसमें उसका रोल तो कुछ नहीं है एंड दे कैन सीक एन एक्सप्लेनेशन एज टू व्हाई द केस डायरी इज नॉट रिकॉर्डेड. ठीक है, क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा कि केस डायरी मेंटेन क्यों नहीं की गई. हाउएवर
इफ द एविडेंसेज हैव बीन कलेक्टेड प्रॉपरली देन नॉन रिकॉर्डिंग ऑफ द केस डायरी विल नॉट इफेक्ट द मैरिट ऑफ द केस. मेन देखिए हर केस में हर इंसिडेंट में जो मेजर थिंग हमारी इफेक्ट करती है वो होते हैं एविडेंसेज. राइट, एविडेंसेज इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. अगर आपने एविडेंसेज कलेक्ट करने में प्रॉपरली कंडक्शन की है, प्रॉपर यूज किया है एक प्रोसीजर, एक पर्टिकुलर मैनर से आप कंडक्ट कर रहे हैं, तब आपने अगर केस डायरी नहीं मेंटेन की तो वो इसकी मैरिज को इफेक्ट नहीं करेगा. बट कहीं ना कहीं अगर एविडेंसेस कलेक्ट करने में लापरवाही हुई है तो आपका क्वेश्चन केस डायरी से रिगार्डिंग भी उठेगा ही उठेगा. ठीक है बच्चे, आपका एक लैंडमार्क जजमेंट है मुकुंद लाल वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया. इसमें क्या था, एक्यूज्ड विल पुट ऑन एवरीथिंग विच प्रोसिक्यूशन इज नॉट यूजिंग, कैन कॉज अननेसेसरी डिले. The non-giving of the case diary to the accused to prevent the accused from unnecessarily complicating and protracting the proceeding. ठीक है, इसमें बोला गया कि accused को जो case diary देनी होती है वो एक court की discretion पे depend करता है. अगर लगता है कि accused एक unnecessary delay कर रहा है या he is just protracting the proceedings या वो harm कर रहा है proceedings को होने से, ठीक है, डिले कर रहा है, बीच में कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, तो एक्यूज्ड को जो कॉपी देनी है वो नहीं भी दी जा सकती. ठीक है, नेक्स्ट केस वाज स्टेट ऑफ केरला वर्सेस बाबू एंड अदर्स. इसमें क्वेश्चन उठा था, कैन डिफेंस यूज प्रीवियस केस डायरी इन द प्रेजेंट केस. क्या कोई बाय चांस, ये एक केस था ए एंड बी का, इसमें केस डायरी बनी. अब केस है बी एंड सी का, ठीक है, तो क्या यहां पर सी प्रीवियस केस की केस डायरी को यूज कर सकता है या यहां पर पार्टी कोई और भी होती, बाय चांस डी होती तभी भी, तो आंसर इज यस. ठीक है, दे कैन यूज द प्रीवियस केस डायरी इफ इट्स श्योरली गोना अफेक्ट योर जजमेंट या केस को वो अफेक्ट कर रही है तो आप जरूर केस डायरी की डिमांड कर सकते हैं. देन इन विच प्रोविजन कैन इट बी समन, ठीक है, किस प्रोविजन के अंडर उनको समन किया जा सकता है, दैट इज अंडर सेक्शन 91 सीआरपीसी. सो सेक्शन 172 प्रिवेंट्स द सब्सटेंसिव यूज ऑफ केस डायरी ऑफ द प्रेजेंट केस एंड इट डजंट रेस्ट्रिक्ट एनी यूज ऑफ प्रीवियस केस डायरी ऑफ एनी अदर केस. ठीक है, ये नहीं रेस्ट्रिक्ट करता है कि प्रीवियस केस के आप कोई भी केस डायरी को यूज कीजिए. यू कैन यूज दैट. द स्टेटमेंट्स मेड इन द केस डायरी ऑफ एनी अदर केस मे बी यूज इन द प्रेजेंट केस एज अ सब्सटेंसिव एविडेंस एज अ फॉर्म ऑफ एन एडमिशन. ठीक है, मैंने आपको ये बोला केस डायरी में जो भी लिखा हुआ है वो एविडेंस के तौर पर यूज नहीं हो सकता. राइट, बट प्रेजेंट केस में प्रीवियस केस डायरी इज द सब्सटेंसिव एविडेंस. ठीक है, प्रेजेंट केस डायरी एविडेंस नहीं होती है बट प्रीवियस केस डायरी इज द सब्सटेंसिव पीस ऑफ एविडेंस. क्यों, क्योंकि उसमें एडमिशन किया होता है एंड ऑल्सो फॉर कॉरोबोरेटिंग. अगर आपको कॉन्ट्राडिक्ट करना है कुछ, कॉरोबोरेट कोई एविडेंस करना है, कॉन्ट्राडिक्शन के लिए क्वेश्चन उठाना है, यू कैन डू दैट विद रिस्पेक्ट टू द टेस्टिमनी ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर. And for that purpose, even the accused can have that other case diary summoned. Okay, आपको उस दूसरी केस डायरी के लिए भी समन डालना पड़ेगा और सच समन कैन बी यूज अंडर सेक्शन 90 सीआरपीसी. ठीक है, ये 1991 मैंने आपको बताया. यहां पर बच्चे प्रीवियस केस डायरीज के लिए समन भेजा जाता है. आई होप यू आर क्लियर. राइट, इफ एनी क्वेश्चन इज स्टिल इन योर माइंड, कोई डाउट है कॉमेंट बिलो रिगार्डिंग दिस टॉपिक केस डायरी. केस डायरी से रिलेटेड बच्चे शॉर्ट क्वेश्चन जरूर आता है, कई बार लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाता है, तो आपको परफेक्ट पता होना चाहिए केस डायरी कब बनी जाती है, कब इसको फाइल किया जाता है, कब मजिस्ट्रेट को दिया जाता है, इसमें क्या क्या लिखा जाता है, इसकी एविडेंशरी वैल्यू क्या है, प्रीवियस केस की कोई केस डायरी है उसकी एविडेंशरी वैल्यू क्या है, कितने टाइप्स की होती है, इसके अंडर क्या क्वेश्चन किसी से रेज किया जा सकता है, क्या ये कॉन्ट्राडिक्शन के लिए यूज हो सकती है, क्या इसको एविडेंस के तौर पर यूज किया जा सकता है. सो देयर आर मेनी क्वेश्चंस. आपके इवन इंटरव्यू में किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक को उठा के उससे रिलेटेड कितने भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. सो प्रिपेयर योर सेल्फ रिगार्डिंग एनी टॉपिक. जब भी आप कोई टॉपिक करते हो उससे रिलेटेड आप इतना प्रिपेयर हो जाइए कि कोई भी अगर क्वेश्चन उससे रिलेटेड आएगा यू कैन आंसर इट फ्रीली. और उसी तरीके से आप पीटी या इंटरव्यूज के लिए भी प्रिपेयर हो जाते हो. ऑल राइट, सो फॉर टूडे दिस इज वॉट वी डिस्कस्ड केस डायरी सेक्शन 172. स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो. इन दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इंक्वेस्ट रिपोर्ट अंडर सेक्शन 174. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. टिल देन कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग. Thank you.